खेत में शत विक्षत हालत में मिला किसान का शव। परिजन बोले शनिवार को खेत में गए थे, हत्या की आशंका जताई। नमस्कार, मैं हूं अंजना, द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कुशरा गांव से लापता एक किसान का शव शत विक्षत हालत में खेत में पड़ा मिला है। इससे गांव में तनाव फैल गया। एहतियाती तौर पर CSP को भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचना पड़ा। परिजनों ने आशंका जताई है कि उसकी हत्या की गई है। जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन थाना अंतर्गत ग्राम कुशरा में एक शत विक्षत शव खेत में पड़ा मिलने से रविवार को गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त श्रीराम चौधरी, पिता परमेश्वर दीन चौधरी, उम्र 49 वर्ष, निवासी कुशरा के रूप में हुई है। जिस खेत में उसका शव पड़ा मिला है वह छोटे उर्फ राम नारायण का बताया जाता है। मृतक की गर्दन, पेट और पैरों पर गहरे घाव मिले हैं, जो किसी धारदार हथियार से पहुंचाई गई चोट की प्रतीत हो रहे थे। शव से कुछ ही दूरी पर मृतक की चप्पल और गमछा अलग अलग जगह झाड़ियों में पड़े थे। उसकी पैंट सूखे कुएं में पड़ी पाई गई। घटना की सूचना मिलने पर CSP महेंद्र सिंह चौहान और TI सिविल लाइन फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच के दौरान मृतक के परिजनों ने श्रीराम की हत्या की आशंका जताते हुए आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ लोगों ने साजिश रचकर उसकी जान ली है। मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि शनिवार की शाम लगभग 4 बजे कमलेश डोहर नामक व्यक्ति श्रीराम को बुलाने घर आया था। मृतक उसके साथ नहीं गया, लेकिन 1 घंटे बाद लगभग 5 बजे वह खेत जाने के बाद कहकर घर से निकला था, लेकिन वह लौटकर घर नहीं आया था। मृतक के छोटे भाई शिव कुमार और बेटे सुधाकर ने उसकी तलाश शुरू की तो घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर छोटे उर्फ राम नारायण के खेत में उसका शव पड़ा मिला। हालांकि पुलिस इस घटना को दुर्घटना की दृष्टि से भी देख रही है। पुलिस का मानना है कि मौत की वजह ट्रैक्टर के कल्टीवेटर की चपेट में आने से भी हो सकती है, क्योंकि जिस खेत में लाश मिली है वहां ताजा जुताई की गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।